आम चुनाव तो हो गए, नतीजे भी करीब करीब सामने आ गए हैं, लेकिन सरकार बनाने के लिए किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। जो ताजे आंकड़े सामने आए हैं उसमें इमरान खान के समर्थक निर्दलीय उम्मीदवार 99 सीटों के साथ सबसे आगे हैं। नवाज शरीफ की पार्टी 71 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर है। वहीं इससे पहले कल रात नवाज शरीफ ने अपने पार्टी समर्थकों को संबोधित करते हुए ऐलान किया है कि वो पाकिस्तान में सरकार बनाने जा रहे हैं। कैसे बनेगी, क्या आंकड़ा रहेगा, वो जानने से पहले पाकिस्तान नेशनल असेंबली के बारे में हम आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में कुल 336 सीटें हैं। इसमें से 265 सीटों पर चुनाव हुए, एक सीट पर चुनाव टल गया था, बाकी 70 सीटें रिजर्व हैं। पाकिस्तान में सरकार बनाने के लिए 134 सीटों पर बहुमत होना जरूरी है, जिसका आंकड़ा फिलहाल किसी एक पार्टी को मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। वहीं पाकिस्तान में मुख्य रूप से तीन पार्टियों के बीच मुकाबला है, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज यानी PMLN, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी PPP शामिल हैं। PML के प्रधानमंत्री उम्मीदवार नवाज शरीफ हैं, PTI के इमरान खान हैं और PPP यानी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के PM कैंडिडेट बिलावल भुट्टो हैं। कैसे बनेगी पाकिस्तान में सरकार? तो पाकिस्तान से ताजा खबर यह है कि आज सुबह 8 बजे तक करीब 250 से अधिक सीटों पर हार जीत का फैसला हो गया है, जिसमें से सरकार बनाने को लेकर एक बड़ी खबर यह है कि नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो गठबंधन की सरकार बनाने पर सहमत हो गए हैं। दोनों पार्टियों के बड़े नेताओं के बीच शुक्रवार रात ही एक बैठक हुई। ये बैठक लाहौर में हुई, जिसके बाद खबर आ रही है कि सरकार बनाने को लेकर दोनों पार्टियों के नेता राजी हो गए हैं। पाकिस्तान में जितने सीटों पर फैसला हो गया है और जितनी सीटें अभी बची हुई हैं, उसे देखकर लग रहा है कि बहुमत का आंकड़ा तो किसी एक पार्टी को नहीं मिल रहा है। इमरान खान के पक्ष में जो सीटें आई हैं वो भी 134 का जादुई आंकड़ा नहीं छुपा रही हैं। ऐसे में एक ही रास्ता है जो गठबंधन का है और नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ने इसमें देरी नहीं की है। अब अगर गठबंधन हो जाता है तो प्रधानमंत्री पाकिस्तान का कौन होगा, ये देख